तेलंगाना में गैर जरिए अराजियात के रजिस्ट्रेशन के मुतालिक स्लॉट बुकिंग के अमल का चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किया आगाज। केसीआर से ही तेलंगाना का वजूद है कहना केसीआर की बेवकूफी है, एआईसीसी के सेक्रेटरी मधु याशकी गौर की तनकीद। मगरबी बंगाल में कायदीन के काफिले पर हमला, मगरबी बंगाल में जमहूरियत का कत्ल, मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का इल्जाम। फसलों की कम से कम इमदादी कीमत अदा नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा देंगे, हरियाणा के नायब वज़ीर आला दुष्यंत का इंतबाह। रियासत में 90% लोग गावकशी पर पाबंदी की बिल की मंजूरी से हैं खुश, कर्नाटक का सीएम येदियुरप्पा का असेंबली से खिताब। मेघालय के वज़ीर-ए-आला संगमा कोरोना से हुए मुतासिर, संगमा ने खुद ट्वीट कर दी इसकी इतला। जिले बड़गाम में घर में बैठी एक 65 साल खातून आवारा गोली लगने से हुई जख्मी, जिससे इलाके में फैल गई सनसनी। ऑनलाइन लेन देन में इजाफे के पेश नजर अब तक 70 लाख हिंदुस्तानियों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा हुआ लीक, साइबर सिक्योरिटी के मुहक्किक राज शेखर का इंकशाफ। राजस्थान के कोटा के जेके लून अस्पताल में 24 घंटों में 9 शीरख्वार बच्चों की हुई मौत से सनसनी, डॉक्टरों और अस्पताल इंतजामिया पर गफलत बरतने का लग रहा है इल्जाम। इंसानी हक के मौके पर सैकड़ों अफराद ने अपनी अकलियती बरादरी पर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ ढाका की सड़कों पर उतरकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ किया एहतजाज। नए ज़रई क़वानीन का मकसद किसानों की ज़िंदगी को तब्दील करना और गुज़श्ता 6 सालों से होने वाली इंसाफियों को ख़त्म करना है, मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का मीडिया से ख़िताब। एक साल कबल पार्लियामेंट में मंजूर कराई गई शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में कई महीने तक एहतजाज व मुजाहरों का सिलसिला रहा जारी, कानून के खिलाफ मुतअद्दिद अर्ज़ियां सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जो आज भी हैं ज़ेर इल्तवा। राहुल गांधी ने किसानों की आमदनी का मामला उठाया है, कहा किसान की मौआशी हालत बेहतर करने के बजाय उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में ताकत के बल पर लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, उमर अब्दुल्ला का इंतजामिया पर इल्जाम। ईरान अपने जेर असर मलेशियाओं को जदीद हथियार फराहम किए और अब वो तेहरान से रुजू कर बगैर कार्रवाइयों में मसरूफ है, मैकेंजी का बयान। रूसी फौज के 10,000 से ज्यादा जवानों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। चीन ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मौजूदा कशीदगी के लिए पूरी तरह हिंदुस्तान को जिम्मेदार करार दिया है, चीनी माहदों को पामाल करते हुए सरहद के साथ बड़ी तादाद में फौज तैनात की गई है, चीन का इल्जाम। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले जो बाइडन अमरीका की पहली मुंतखब खातून नायब सदर कमला हैरिस को मशहूर टाइम्स मैगजीन ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया है। अमरीका में जुर्मा कत्ल केस में सजा याफ्ता ब्राडन को मौत दे दी गई है, ब्राडन को जहरीला इंजेक्शन दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई।